पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार करने के लिए। राकेश ना बीजेपी सांसद मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, ममता बनर्जी पहुंच गई हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव के समर्थन में। अखिलेश जी को जो कुछ भी थोड़ी बहुत समर्थन मिल रहा था, ममता बनर्जी जी के जाने के बाद वह भी समर्थन कम हो जाएगा। ममता बनर्जी को देश की जनता उस रूप में देखती है जो हिंसा की राजनीति, राष्ट्रवाद का विरोध और अल्पसंख्यक तुष्टिकरण करती हैं। उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर, भारत के संघवाद पर आक्रमण किया था, तो काठ की हांडी चढ़े ने दूजो बार। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से बाहर एक वोट न जोड़ सकती हैं, बल्कि वो वोट को कम करने की क्षमता रखती हैं। लेकिन ममता बनर्जी आखिर यूपी पहुंची क्यों? आप मतलब अगर हम वोटों के लिहाज से बात करें तो बहुत बड़ा जो है उनका कोई ना कोई उम्मीदवार है ना कुछ, फिर भी वो यूपी पहुंची समर्थन के लिए। देखिए, इस देश में एक दर्जन विपक्ष के नेता हैं जिसमें प्रधानमंत्री बनने की इच्छा महत्वाकांक्षा के रूप में जग चुकी है। ममता बनर्जी भी इसी को तलाश रही हैं, विपक्ष की सर्वमान्य नेता बनने के लिए वह जगह जगह तलाश रही हैं। लेकिन जहां वो गई हैं वहीं तीन एक दर्जन नेता बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जी अपनी ज़मीन तलाशने के लिए और अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उनका उत्तर प्रदेश जाना अखिलेश यादव के लिए महंगा पड़ेगा। तुष्टिकरण की जो एक संकेत बन गई है, जनता उसी रूप में ममता बनर्जी को देखती है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो थोड़ा बहुत भी बंगाली वोटर है वो ममता बनर्जी के जाने से प्रभावित हो सकता है? देखिए, जो बंगाल के वोटर हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी पहली पसंद है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बढ़ोतरी मिली है, पार्टी ने जिस प्रकार से उनको चुनौती दी है और पार्टी जैसी उभरी है, उससे ममता बनर्जी तिलमिलाई हुई हैं। ममता बनर्जी की दाल ना गोवा में गलेगी, ना त्रिपुरा में गलेगी, ना ही उत्तर प्रदेश में, बल्कि अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को बुलाकर या ममता बनर्जी वहाँ जाकर, चाहे जो भी कारण हो, यह समाजवादी पार्टी के लिए महंगा सौदा होगा जो चुनाव के बाद पता चलेगा। समाजवादी पार्टी के लिए महंगा सौदा होगा जिसका नुकसान जो है या खामियाजा उठाना पड़ेगा अखिलेश यादव को, ये कहना है बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़।